यदि आप एक पाउडर आइटम्स का या कुटे मसाले या खड़े मसालों का उद्योग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप उद्योग हैं, या फिर आप पहले से ही पैकिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम मयंक शेखर है और मैं एक पैकेजिंग मशीन बनाने की कंपनी का संचालन करता हूँ। मेरे बराबर में एक ये पैकिंग मशीन है जो पाउडर आइटम्स के लिए बहुत ही कामयाब है और जिसको एक ही व्यक्ति से चलाया जा सकता है। ये इसका फुटप्रिंट बहुत छोटा है, इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है, लगभग 250 वाट की बिजली की खपत होती है इस पैकिंग मशीन के अंदर। और साथ ही साथ इसके साथ एक लगा हुआ है बैंड सीलर, आप मसाले को वजन करके डिस्पेंस करेंगे इस मशीन के अंदर, फिल करेंगे थैली में और साथ ही साथ पैक होगा वो बैंड सीलर के अंदर। और ये पूरी प्रक्रिया के अंदर करीब 2500 से 3000 पैकेट एक दिन के अंदर पैक करे जा सकते हैं। अब मैं इस मशीन के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ये ऊपर है एक हॉपर जिसके अंदर की माल को डाला गया है, पिसे मसाले को। इस वीडियो को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए हमने इसके अंदर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि आप अंदर से देख सकते हैं। यहाँ से मटेरियल आता है वाइब्रेटरी फीडर के थ्रू, आगे आके डिस्चार्ज होता है एक वेइंग पैन के अंदर जिसमें उसका वजन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो अंदर होता हुआ दिखाई देगा। जब वजन पूरा होता है तो उसके बाद वो पैन रोटेट कर जाता है। वजन पूरा होने की प्रक्रिया दो भाग में होती है। शुरू के अंदर कोर्स के अंदर चलता है वाइब्रेटर जबकि माल का फ्लो तेज होता है, और जब 80-90% वजन गिर जाता है तो वाइब्रेटर का फ्लो कम हो जाता है और मटेरियल धीरे धीरे गिरता है जिससे कि वेट की एक्यूरेसी काफ़ी आती है। वजन पूरे होने के बाद माल गिरता है थैली के अंदर, एक ही ऑपरेटर थैली के अंदर माल लेता है और फिर उसे सीलर के अंदर डाल के सील कर लेता है। इस मशीन का ये कंट्रोल पैनल है जिसके अंदर वजन सेट किए जा सकते हैं। इस एक ही मशीन के अंदर 20 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के पैकेट पैक करे जा सकते हैं। मशीन में एक अटैचमेंट दी गई है यहाँ पे। ये अटैचमेंट का मुंह छोटा और बड़ा करा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट थैलियों के साइज़ के हिसाब से। छोटी थैली के अंदर ये अटैचमेंट ऐसी होती है जिसका मुँह छोटा हो जाता है, बड़ी ज़्यादा बड़ी थैली होती है तो ये अटैचमेंट ये पेंच खोल के हटाई भी जा सकती है। इस वीडियो के पर्पस के लिए ये शॉर्ट स्विच मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है। यदि आपका ऑपरेटर बहुत तेज़ी से काम नहीं कर पाता है तो यहाँ कंट्रोल पैनल से आप इनेबल कर सकते हैं फुट स्विच का मोड। अब जब फुट स्विच दबाया जाएगा तभी वो थैली तभी वो मटेरियल डिस्चार्ज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जैसे आपका ऑपरेटर ज़्यादा प्रशिक्षित हो जाता है, वो उसकी स्पीड अपने आप तेज़ बढ़ जाएगी तो इसको फुल ऑटो मोड में चला दिया जाएगा, जैसा कि ये मशीन में अभी चलता हुआ आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति इस मशीन दोनों मशीनों को ऑपरेट कर रहा है, हालांकि दोनों अलग अलग रखी हैं। वही व्यक्ति वजन के अंदर वजन करने की मशीन में थैली लगाता है और वही व्यक्ति इसको सील करता है। जितनी देर में वजन तैयार होता है उतनी देर में वो थैली को सील करता है। जब थैली सील हो रही होती है तो अगला वजन तैयार हो रहा होता है, तो थैली बर्बाद नहीं जाती और ये मशीन फुल ऑटोमेटिक मोड में चल रही है। इस मशीन के अंदर करीब करीब 4 से लेकर 6-7 पैकेट प्रति मिनट तक की पैकिंग करी जा सकती है। तो किसी भी छोटे उद्योग के लिए जहाँ पे 2500-3000 पैकेट दिन के पैक करने हो, ये मशीन बहुत ही उपयोगी है। बहुत कम फुटप्रिंट की है, आप देखें यहाँ पे 2.5-3 फुट गहरी है, ये छोटी सी हाइट है इसकी और ये छोटी सी ही चौड़ाई है इसकी। तो कहीं भी मेज़ पे रख के इस मशीन को चालू किया जा सकता है। आपने मसाला पीसा अपना और इसके अंदर तुरंत पैकिंग कर दिया। पैकिंग करने के लिए जो लैमिनेट है वो अपने आप नाम के छपवा सकते हैं और इसके अंदर पैकिंग कर सकते हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे 3 तरह से जुड़ सकते हैं, फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप और हमारे वेबसाइट के द्वारा। हमारा फ़ोन नंबर है 9599-1942, हमारा ईमेल है sales@monkey.in और हमारा वेबसाइट है www.monkey.in। धन्यवाद।